नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एलएसी पर फिर से एक बार माहौल गर्मा गया है। भारत और चीन दोनों ही देशों के बैटल टैंक्स एक बार फिर से बेहद नजदीक पहुंच गए हैं और 30 से 35 की संख्या में टैंक्स स्पॉट किए गए हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, हम जानेंगे इस वीडियो में, और इस घटना से चीन ने क्या संदेश दिया है ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 8 महीनों से भारी तनाव चल रहा है और स्थिति बेहद नाजुक है एलएसी पर। कुछ महीनों पूर्व ही जब भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एलएसी के करीब कई सारे पीक्स यानी कि चोटियों पर अपनी पोजीशंस ली थी, तो उस समय चीन पूरी तरह से बौखला गया था और कई बार झड़पें भी वहां पर हुई थी। दोस्तों, गलवान में हुई दुखद घटना तो आपको याद ही होगी। दोस्तों, गलवान के बाद भी कई बार झड़पें हुई और फिंगर एरियाज में इनके अलावा पेंगोंग जो झील के नजदीक दूसरे इलाकों में भारत की पोजीशन को देखकर चीनी सेना टैंक्स और पूरे लाव लश्कर के साथ आ बैठी। और वहीं भारत ने भी पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाते हुए चीन से भी ज्यादा घातक टैंक्स को तैनात किया था। और इन्हीं पिछले कुछ महीनों में भारत ने अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर ली थी कि किसी भी स्थिति में आराम से चीन को निपटाया जा सके। उसके बाद तनाव खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत भारत और चीन के बीच हुई, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद ठंड का मौसम शुरू हो गया। हालांकि चीन यहां पर यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारतीय सेना ठंड की वजह से पीछे हट जाएगी, लेकिन झटका चीनी सेना को तब लगा जब भारतीय सैनिक जस के तस वहां पर न सिर्फ डटे रहे बल्कि भारत ने अपने सारे हथियार सेना तक पहुंचा दिए। उसके बाद जो बातचीत का दौर था यह टूट गया था और काफी समय से लद्दाख में स्थिति सामान्य बनी हुई थी और पिछले करीब 2 महीनों में कोई भी बड़ी मूवमेंट एलएसी पर देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इतने दिनों की चुप्पी के बाद चीन ने एक बार फिर से माहौल को गर्मा दिया है। दोस्तों, असल में हाल ही में चीन के 30 से 35 बैटल टैंक्स को स्पॉट किया गया है रेंजिंग ला और रेंजांग ला के ठीक विपरीत दिशा में। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर भारतीय सेना ने कब्जा करके अपनी पोजीशंस ले ली थी। एक बार फिर से अब भारत और चीनी सेना के बैटल टैंक्स आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, चीन यहां पर अपने लाइटवेट टाइप 15 बैटल टैंक्स उतार चुका है, तो वहीं भारत ने इसके मुकाबले में कई गुना बड़े और भारी T90 और T72 टैंक्स को तैनात किया है। लेकिन आखिर क्यों भारत यहां पर एडवांटेज में है, बावजूद इसके कि चीन के टाइप 15 टैंक हल्के होने की वजह से ज्यादा आसानी से मूव कर पाते हैं? तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि यह बात सच है कि हल्के होने की वजह से चाइना के टैंक्स आसानी से मूव कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इनकी अटैकिंग पावर भारतीय टैंक्स के कंपैरिजन में बेहद कम है और वहीं ये डैमेज भी बहुत कम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि भारतीय टैंक्स हैवीवेट है जिन्हें मूव करने में थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन भारत के पास ये प्लस पॉइंट है कि भारत में एलएसी पर एक बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिससे कि हैवीवेट टैंक्स को भी आसानी से मूव कराया जा रहा है। और एलएसी पर भारत के द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना ही भारत और चीन के बीच के विवाद की एक सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, एलएसी की चीनी साइट कंपैरेटिवली उतनी डेवलप्ड नहीं है जितने की भारत ने हाल फिलहाल के सालों में कर ली है, तो इन्हीं रोडों का फायदा भारतीय सेना को हो रहा है और साथ ही चाइना के ऊपर भी हमें एक एज मिली है जहां एक बार फिर से दोनों सेनाएं एलएसी पर कुछ ही मीटर्स की दूरी में आमने सामने आ गई हैं, तो वहीं भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है किसी भी परिस्थिति के लिए। तो आप क्या सोचते हैं भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।